फ्रेंड्स, क्या आपके YouTube चैनल है और आपने अपना कस्टम URL बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आप भी अपने चैनल का कस्टम URL बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने नाम को अच्छी तरीके से लोगों को बता सकते हैं। किसी चैनल अगर शो करना चाहें तो भी आप बहुत आराम से अपना जो चैनल का नाम है वो बता सकते हैं, जैसे YouTube.com/c/TechSmart444, इस तरह आप भी अपने चैनल का नाम बता सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सुविधा रहती है। बाकी वो चैनल वो जो YouTube से जो नाम आता है उसको बताने में दिक्कत आती है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप भी अपने चैनल का कस्टम URL बना पाएंगे। और उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं वो किस तरह से होता है। तो इसमें मैं आपको चार कंडीशन के बारे में बताऊंगा, वो चारों कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आप अपना कस्टम URL बना पाएंगे। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको जो करना है, वो है 100+ सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 100+ सब्सक्राइबर हैं, कस्टम URL के बारे में आप अप्लाई कर पाएंगे और उसे इनेबल कर पाएंगे। सेकंड जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो है, आपका चैनल 1 माह पुराना होना चाहिए। अगर आपका चैनल 1 माह पुराना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और थर्ड जो कंडीशन है इसमें, उसमें आपको देखना होगा आपके चैनल का लोगो या जिसे बोलते हैं फोटो, अगर आपने लगा रखा है तो आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। और जो लास्ट कंडीशन है वो है आपका चैनल का बैनर, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उस तरह का अगर आपने बैनर बना रखा है तो आप बता सकते हैं। चैनल आर्ट भी बोलते हैं इससे, देखिए TechSmart444 ये पूरा लिखा हुआ है। ये वाला जो अगर आपने बना रखा है अपना बैनर यानी चैनल आर्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चारों कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको कस्टम URL यूट्यूब स्टूडियो की एडवांस सेटिंग में जाकर आप इनेबल कर सकते हैं कस्टम URL को, और आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने चैनल को नाम को देख पाएंगे। और आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं जिसका वीडियो इसी चैनल पर मैंने डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।